वेलकम दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे आप वीवो वाई 01 मोबाइल में सिस्टम को अपडेट कैसे करेंगे। दोस्तों आपके मोबाइल में सिस्टम अपडेट आता है तो उसको कैसे अपडेट कर पाएंगे, अपडेट समय समय पे आता है क्योंकि दोस्तों आपके मोबाइल में कोई भी नया फीचर्स या दोस्तों कोई भी नई सेटिंग अवेलेबल होती है दोस्तों उपलब्ध होती है आपके मोबाइल में। तो दोस्तों आपके मोबाइल में सिस्टम अपडेट आया था और दोस्तों सिस्टम अपडेट होने के बाद में दोस्तों आपके मोबाइल पहले से ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा और दोस्तों आपके मोबाइल में दोस्तों सिस्टम अपडेट आया रहेगा तो दोस्तों आपको सेटिंग के ऊपर एक नंबर रेड कलर में लिखा रहेगा, देखने को मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, सिस्टम को अपडेट करने के लिए आपको अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना है और वहां पे आपको देखने को मिलेगा क्या क्या आपके मोबाइल में सिस्टम अपडेट आया है। तो आपको करना क्या, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिस्टम अपडेट का ऑप्शन। तो सिंपल आपको सिस्टम अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और जैसे ही सिस्टम के अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है फनटच ओएस और दोस्तों आपके मोबाइल में यहाँ पे न्यू वर्जन फाउंड और यहाँ पे क्या वर्जन है वो आपको देखने को मिल जाएगा और दोस्तों यहाँ पे आपको कितना साइज का है यानी कि दोस्तों कितने एमबी में आपका वो सिस्टम अपडेट आया है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे 467 MB में यानी दोस्तों 467 MB दोस्तों यहाँ पे आया हुआ है आपका अपडेट ये दोस्तों आपके मोबाइल में। और दोस्तों क्या सिस्टम अपडेट आया हुआ ये दोस्तों सिस्टम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आप यहाँ से कुछ रीड कर सकते हैं आप जो भी सिस्टम अपडेट आया हुआ है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल जाता है डाउनलोड एंड इंस्टॉल का ऑप्शन। तो आपको करना क्या है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपके मोबाइल में सिस्टम अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर देते हैं डाउनलोड। तो यहाँ पे जैसे ही करेंगे यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है, कंटिन्यू डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे और जैसे ही कंटिन्यू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपके मोबाइल में सिस्टम अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अभी जीरो है और दोस्तों ये आपका पूरा लाइन फुल होएगा, 100 तक जाएगा यानी दोस्तों 1 से 100 तक जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपके मोबाइल में इस मोबाइल सिस्टम अपडेट ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपका मोबाइल ऑटोमेटिक ही ऑफ हो जाएगा और उसके बाद में ऑटोमेटिक ही ऑन होगा। दोस्तों आपको कोई भी बटन या दोस्तों आपको कहीं भी टच नहीं करना है और कोई भी बटन नहीं दबाना है, मोबाइल में कोई भी छेड़खानी नहीं करना जिससे कि दोस्तों आप अपने मोबाइल में सिस्टम को अपडेट आसानी से कर पाएंगे। और दोस्तों सिस्टम अपडेट हो जाएगा उसके बाद में दोस्तों आपका मोबाइल ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाएगा और उसके बाद में दोस्तों आपका मोबाइल में जो भी फीचर्स नया आने वाला अवेलेबल रहेगा वो आपके मोबाइल में आ जाएगा। और तो दोस्तों इस वीडियो से सही जानकारी मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक से। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।